हाय गाइस, आज हम खेल रहे हैं रोबोलॉक्स द कार्निवल ऑफ टेरर। ये एक स्केरी क्लाउन की दुनिया है जहां पे उसने हमें कैद कर रखा है। हमने पजल सॉल्व करने हैं। अरे ये क्या, ये उसी क्लाउन की आवाज है। उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। ये ट्रेन की पटरी भी तबाह कर दी है ताकि हम बाहर ना निकल सके, लेकिन यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। ओ नो, अरे मैं तो जल गया रे। यहां से बड़ी एहतियात से जाना होगा। ये ब्लॉक्स पे जंप करना होगा और जंप करते करते वो सामने विंडो नजर आ रही है, उसमें हमने पहुंचना है। ये हमारा अगला चेक पॉइंट होगा। हमें बड़ी ध्यान से यहां से जंप करते हुए वहां पहुंचना है। ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अरे इस बैलून का क्या करना है? इस बैलून को फाड़ते हैं। और कामयाब दोस्तों, हम अगले चेक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें पाइप्स के ऊपर से बड़ी एहतियात से चलना होगा। बड़ी डरावनी किस्म की आवाजें आ रही हैं। ये क्लाउन यकीनन अगले मोड़ पे हमारा इंतजार कर रहा होगा। हमें इन बैलून्स के ऊपर से जंप करते हुए अगली तरफ जाना है। ओह नो, वी फेल्ड। वी वेंट इनटू द मॉन्स्टर्स माउथ। ये बहुत ही बुरा और मुश्किल पजल है, लेकिन हमें इससे बड़ी एहतियात से गुजरना होगा। ये नीचे मॉन्स्टर के दांत हमें खाने के लिए तैयार हैं। हमें ओह नो, आई फेल टू पुश द जंप बटन। ये हमारी तीसरी ट्राई है दोस्तों। ये गेम पे मेरी पहली ट्राई है। हम इस पजल पे हम तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं। बड़े एहतियात से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बैलून्स कबल फटने वाले हैं। ओह नो, वंस अगेन वी फेल्ड। इस बार हम इसको सॉल्व कर कर ही रहेंगे। बड़ी घनौनी किस्म की आवाजें आ रही हैं इस गार के अंदर से। हमें ग्रीन बलून पर जंप करना है। बड़ी एहतियात से हमें अपनी पोजीशन सेट करते हुए ब्लू बलून की तरफ जंप कर दिया। हम कामयाब हुए और हम तीसरे बलून पे भी पहुंच चुके हैं। अब हमारे सामने सिर्फ वो पाइप था जिस पर हम अब चल रहे हैं। हमने बड़े एहतियात से नीचे जंप करना है ताकि पाइप के ऊपर ही रहा जाए। मुझे लग रहा है हम अपने अगले चेक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अरे वाह, ये क्या, ये एक बॉयलर रूम है। बॉयलर रूम में तो स्टीम बहुत से दूसरे खतरात हैं। हमें बड़े एहतियात से ही इस चेक पॉइंट से गुजरना होगा। और ये हम कामयाब हो गए। ये एक हमारा अगला चेक पॉइंट। अब हमें इन पाइप से होते हुए, अरे ये क्या, बैटमैन। अरे बैटमैन, अरे रुक, अरे हमें भी साथ ले जा। और नो, वही गलती दोहराई, हमने फिर जंप बटन प्रेस नहीं किया। बड़ी एहतियात से गुजरना होगा। बैटमैन भी फेल हो चुका था। बैटमैन फिर हमारे साथ उसी पजल से गुजर रहा है। हमें अपनी पोजीशन सेट करने के बाद ही जंप करना चाहिए, अदरवाइज हम नीचे स्टीम में गिरेंगे और वो हमारा कीमा बना देगा। बड़ी एहतियात से धीरे धीरे
हमेशा अपनी पोजीशन सेट करें और आहिस्ता आहिस्ता, खास तौर पर हमें बोर्डों से ये जो टर्न्स हैं यहाँ से बड़ा ही ध्यान करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है हम अपने अगले चेक पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। ये अरे क्लाउन के हाथ हमें पकड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। अरे ये कितना खतरनाक क्लाउन है, लेकिन हम भी इसके हाथ नहीं आने वाले। हम बड़ी फुर्ती से अपने अगले चेक पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। हमें यहाँ से पाइप्स के ऊपर जंप करना पड़ेगा। ये पाइप्स हमें लेकर जाएंगे वो नीचे पिलर की तरफ। और ये रहा हमारा अगला चेक। अब हम इस पिलर के ऊपर चढ़ेंगे। इस पिलर के काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, इसको अबूर करने का यही तरीका है कि आप बिल्कुल स्टेप के किनारे पर खड़े हों और अपना फुल जंप आगे की तरफ बढ़ाएं। हाफ जंप की सूरत में आप सीधे नीचे गिरेंगे और फॉल डैमेज की वजह से आपको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। हम फिर वहीं से जहां से निकले थे वहीं पर। यही गलती थी, हमने हाफ जंप किया। हमें बिल्कुल किनारे से फुल जंप करना है। इस पिलर के ऊपर बहुत से स्टेप्स हैं, इतनी जल्दी हम ऊपर पहुंचने वाले नहीं हैं। हर तरफ आग ही आग है। ये पिलर हमें इस पाइलर मदद कर रहा है हमारी, अदरवाइज यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर जब हम बड़े एहतियात से जंप करना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत ही ऊपर पहुंच चुके हैं। ज़रा सी गलती हमें फिर नीचे की गहराइयों में पहुंचा सकती है। और हम आखिरी स्टेप पर पहुंच चुके हैं। आखिरी स्टेप से हम पिलर से हट चुके हैं और इस पाइप के जरिए हम अपने अगले चेक पॉइंट पर पहुंचेंगे। हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहे हैं, हमें प्यार से जाना पड़ेगा वरना हमें फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। और हम अपने अगले चेक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। बाकी बहुत ही करीब चेक पॉइंट है, भुलैया से गुजरते हुए अपने अगले चेक पॉइंट पर पहुंचना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए और अपनी पोजीशन को सेट करते हुए खासतौर पर टर्न्स पर, ताकि नीचे ना जा पड़े, हमें बड़ी एहतियात करनी होगी। हम आगे पहुंच चुके हैं। कर कर ही रहेंगे, कोई और प्लेयर हमें अभी तक नजर नहीं आया तो यहां तक पहुंचा हो। अरे ये क्या, हु इज दिस फैट गाय? अरे रुको, अरे बात तो सुनो, अरे भागे किधर जा रहे हो? अरे किधर भाग रहे हो? हम भी आए तेरे पीछे। ओ किधर गया ये तो गायब हो गया। ये लगता है अपने चेक पॉइंट से लैडर से क्लाइम करते हुए इस बॉयलर रूम से निकल चुका है।
हम अपने अगले चेक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े चेन सॉज चल रहे हैं। ये चेन सॉज हमें काटने के लिए तैयार हैं। ज़रा सी देर क्या थी, हमें दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है, लेकिन हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। यहाँ से थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। अरे ये क्या, ओ कंट्रोलर हिल गया और हम नीचे खाई में जा गए। हमें थोड़ी एहतियात करनी होगी। बटर से बड़ी एहतियात से हम अब इस भूल भुलैया के टॉप पर पहुँचे। लैडर से क्लाइम करते हुए इस पाइप के अंदर से हम प्ले एरिया में पहुंच चुके हैं। ये है हमारा अगला चेक पॉइंट। क्या तुम्हें क्लाउन की आवाज सुन रही है? मुझे लग रहा है वो स्केरी क्लाउन बहुत ही करीब है। स्केरी क्लाउन को भी देख लेते हैं। हमें पहले अपने सराउंडिंग्स का जायजा लेना है और फिर हमें यहाँ से। अरे वो आ गया, स्केरी क्लाउन आ गया। अरे ये तो हमारे पीछे है। मुझे लग रहा है इस झूले के ऊपर चढ़ना है। अरे ये तो हमें चढ़ने नहीं देगा, ये तो हमारे बहुत ही करीब है। आई हैव टू जंप, ओ नो आई मिस द जंप, नहीं ओ नो, इसने हमें पकड़ लिया है। लेकिन हम दोबारा ट्राई करेंगे। हम वापस उसी प्ले एरिया में इसको चकमा देकर झूले के ऊपर चढ़ेंगे। आई शुड जंप, ओ आई हैव सक्सीडेड, मैं कामयाब हो गया। अबे नीचे रह तू, मैं तो जाया रे, मैं तो निकला रे। क्लाउन हमारा नीचे वेट करता रहा, लेकिन हम झूले पर बैठकर ऊपर पहुंच चुके हैं। यकीनन यहां से हम इस क्लाउन की दुनिया से एस्केप कर सकते हैं। अरे ये क्या, नहीं फिर से वही बैलून, फिर से हमें एहतियात करनी होगी। जंप भैया, ये चीज सीधे ये हम पहुंच गए। ये लैडर हमें कहाँ लेकर जाएगी? ये क्या झूला, अरे ये झूला हमें कहाँ ले जा रहा है? ये झूला तो हमें नीचे लेके जा रहा है। अरे फिर ऊपर, अबे रुक, तो हमें उतार भी झूले से। ओह शुक्र है इसने हमारी जान छोड़ी। ये हमारा अगला चेक पॉइंट था। मुझे लग रहा है कि ये आखिरी पजल है इस क्लाउन की दुनिया का। अरे हेड कटर्स, मैं बहुत ही ध्यान से यहाँ से निकलना होगा। इन बॉल से भी बचना होगा। और तकरीबन हम इस स्केरी वर्ल्ड से निकल चुके हैं। जस्ट टू ऑब्स्टेकल्स अवे, यस वी हैव सक्सीडेड। दोस्तों हमारे अगले एपिसोड के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और देखते रहें रोबोलॉक्स।